नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज लखनऊ में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। भारत जोड़ो यात्रा का 133वां दिन, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रहेंगे राहुल गांधी। आगरा में मकान गिरने के मामले को लेकर सीएम गंभीर, प्रभावितों को राहत पहुंचाने के प्रशासन को निर्देश, सभी प्रभावितों को धर्मशाला में किया गया शिफ्ट। गिरा पारा, फिर बढ़ी ठंड, दिल्ली एनसीआर में 29 को होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के आरोपों के बीच अप्रैल 2022 में कुछ एफआईआर लिखी गई थी। इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। विवेचक अमित मिश्रा के मुताबिक जांच पड़ताल के दौरान विदेशों से करोड़ों की फंडिंग के सबूत हाथ लगे हैं। जांच में शूटआउट के वीसी आरपी लाल का नाम सामने आया है, तो उनके खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखी गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि जिले में अब तक 50 से 60 हजार लोगों को बरगलाकर उनका धर्म बदलवाया गया है। प्रयागराज एडीजी के निर्देश पर अलग अलग डेट पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 47 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बता दें कि फतेहपुर जिले के ललौली कस्बे में अक्टूबर 2022 में धर्मांतरण का पहले के सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठन सक्रिय हुए थे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो एक चर्च में मिले रजिस्टर में 1353 लोगों के नाम मिले हैं। दावा किया गया है कि इनका धर्मांतरण कराया गया है। चर्च मिशन हॉस्पिटल ऑल वर्ल्ड विजन संस्था नाम इसमें सामने आने के बाद पुलिस ने गहराई से पड़ताल शुरू की। फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली में वीरेंद्र कुमार और संजय सिंह नाम के व्यक्ति ने 47 नामजद लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि 40 दिन की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें और कई अन्य लोगों को ईसाई बनाया गया है। देखिए, हमारे देश का प्रशासन यदि सजग नहीं होता तो ये कब का चल रहा होता। मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे जिला कप्तान महोदय का और उनकी टीम को कि कम से कम इसका उजागर किया और आज पूरे देश में, प्रदेश में चर्चा का विषय है कि फतेहपुर में जिस तरह से धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा था उसको हमारे अधिकारियों ने पकड़ा भी है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की है और इस तरह की हरकतें कहीं भी हो रही होंगी। मैं आपके माध्यम से संदेशा भी देना चाहती हूँ कि ऐसे इसके लिए जागरूक होना चाहिए। हम किसी के धर्म को धर्मांतरित करने पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस देश के अंदर हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास इस देश से काम करते हैं, लेकिन इस देश को तोड़ने के लिए कुछ विदेशी तत्व आकर के हमारे समाज को तोड़े, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं भी ऐसी घटना यदि सुनाई पड़े आप जरूर बताइएगा। हमारे कप्तान महोदय, डीएम महोदय दोनों सजग हैं। हम सब लोग मिलकर के इस जनपद से धर्मांतरण करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी होगी और यहाँ से भगाया भी जाएगा। पूर्वत में मैंने बताया 2008 से लेकर के कोई जिले का गाँव ऐसा नहीं अछूता है जहाँ इन ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण करने के उद्देश्य से दस्तक न दी हो, परंतु हसवा ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव हैं जहां पर बड़ी मात्रा में लगभग पूरे गांव के गांव लोगों को मतांतरित करने का जो है सफलता प्राप्त कर ली। और इसका परिणाम ये है कि वहां पर बड़े पैमाने पर वर्ल्ड विजन संस्था स्वार्ट्स और बाहर से भी, इवन विदेश से भी बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई आते थे और यहाँ पर डेरा डाल करके मतांतरण करने का कार्य कर रहे थे। इन लोगों पर जो मुकदमा किया है कोतवाली पुलिस ने, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनकी गति की जो मंद गति है पुलिस प्रशासन की,
जिससे उनको साक्ष्य मिटाने में सफलता प्राप्त हो पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस एक अपराधी को जैसे पकड़ती है, तो ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, एक अपराधी से भी बड़ा इन्होंने पाप किया, धर्म का कार्य किया है, तो इनको एक अपराधी से भी तेज गति से गिरफ्तार करें और जिससे कि ये अपने साक्ष्य मिटाने में सफलता ना प्राप्त कर सकें। बजरंग दल 2008 से लेकर के आज तक जो कहता आया है, आज जो प्रशासन के सामने चुनौती आई है वो उसी का परिणाम है। अभी भी पुलिस प्रशासन और उच्चस्थ अधिकारी इस पर ध्यान दें और इसको यहीं पर न छोड़ें, इसको पूर्णतः अंत करें और अपनी गति को बढ़ाएं, अन्यथा इनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। वी लाल वाइस चांसलर आया फतेहपुर कोतवाली और उसको छोड़ दिया इन लोगों ने। और इस पर और जानकारी देने के लिए फतेहपुर से हमारे संवाददाता अनूप तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया और आगे क्या कार्रवाई की तैयारी? देखिए, लगातार ये मुकदमे जो है दर्ज किए गए हैं और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके फतेहपुर में धर्मांतरण के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं और इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो पुलिस का कहीं ना कहीं जो गोपनीय विभाग है वो क्या कर रहा था? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर गोपनीय विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी क्यों नहीं हुई कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराया गया और इसके बाद मुकदमा दर्ज किया। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनको बाकायदा पुलिस की तरफ से नोटिस आदि तक बयान के लिए बुलाया गया और इसके बाद जानकारी जो सूत्रों से मिली है कि वो विदेश भाग गए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वर्ल्ड विजन संस्था का नाम जो सूचक है उसका नाम सामने आ रहा है और इसमें विदेशों से फंडिंग के तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जो धर्मांतरण की जांच है यूपी एटीएस भी कर रही है, अब देखना यह है कि इसमें क्या खुलासे होते हैं। जिस तरीके से फंडिंग का भी आपने जिक्र किया, फंडिंग के क्या कुछ पुख्ता सबूत अब तक सामने आए हैं और किन किन देशों से इसके तार जुड़े हैं? देखिए, अगर फंडिंग की बात करें तो जैसे अक्टूबर माह में ललौली कस्बे में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। फतेहपुर शहर की बात करें तो थाना कोतवाली में अप्रैल में एक मुकदमा लिखा गया था सामूहिक धर्मांतरण का, जिसमें 55 लोग नामजद थे। अभी जो है सोमवार को 3 मुकदमे और निकले गए, तो इन सब में जब पुलिस की विवेचना के दौरान जो फंडिंग को बात सामने आई है, तो बैंक खाते का जो आरोपी है उनके बैंक खाते का सत्यापन कराया गया है। इसमें सामने आया है कि पाकिस्तान, कनाडा, लंदन, अमेरिका, यानी कई देशों से पैसा बाकायदे आता था बैंक जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रयागराज और तदेशक आर्मीलाल है उसके खाते में आता था और इसके बाद जो धर्मांतरण का ये पूरा जाल है वो गांव के गरीब लोगों तक फैलाया गया था। उनको कहीं दवा का, कहीं पैसे का, कहीं दूध का इस तरीके प्रलोभन दिया जाता था और इसके बाद दस्तावेजों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से दस्तावेज अब तक सामने आए हैं जिनके आधार पर फिलहाल ये कार्रवाई की गई है और आगे की क्या तैयारी? देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस के इस पूरे मामले में फतेहपुर शहर में निशान हॉस्पिटल है और उसका भी नाम सामने आया था, तो पुलिस ने वहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं जिसमें बताया जा रहा है गरीब लोगों को वहां पर मुफ्त में दवा दी जाती थी और इसके बाद फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। ठीक इसी प्रकार ललौनी में एक रजिस्टर मिला था, उसमें 1353 लोगों का जिक्र था, बाकायदा उनका धर्मांतरण कराया गया था। तो ऐसे कई अहम सबूत जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं और पुलिस उनको कोर्ट में रखेगी, लेकिन वही विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अभी कठोर कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रही है और इसके कारण कई लोगों को जमानत भी इस मामले में मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जिस तरीके काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसी के कारण जब कोर्ट में सबूत नहीं पेश किए गए तो फिर आरोपियों को जमानत मिल गई। जिस तरीके से आपने बताया विश्व हिंदू परिषद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है, तो इस पर सुधार के लिए क्या इस तरीके से काम ना हो संतुष्टि को लेकर के किस तरीके के परिवर्तन की जा रही है, जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी?
जो हिंदू परिषद के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र पांडे, उनसे जब देवेंद्र न्यूज ने बातचीत किया तो उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके फतेहपुर में कोई ऐसा गांव होगा शायद जहां धर्मांतरण का जाल नहीं पहुंचा होगा, गांव फतेहपुर शहर के गांव में जो है अब तक कहीं जिन लोगों ने जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट है वो गांव तक पूरी पहुंच बना चुके हैं। कई ऐसे गांव है, दर्जनों ऐसे हथुआ ब्लॉक है एक यहाँ पर, यहाँ दर्जनों ऐसे गांव है जहाँ गरीबों का धर्मांतरण कराया गया है। जिस हिंदू परिषद की तरफ से दो टूट ये बात कही गई है कि अगर पुलिस प्रशासन ऐसे मामले में रोक नहीं लगाता तो फिर जिस हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो सड़क में उतर कर आंदोलन के लिए जुड़े होंगे। इससे पहले ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अनुज, जिस तरीके से आपसे ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस की जानकारी में क्यों ये मामला नहीं आया, इतने बड़े पैमाने पर जबकि धर्मांतरण चल रहा था, तो अब तक की जो जांच में जो तथ्य सामने आए हैं इससे कितने संतुष्ट है हिंदू परिषद के लोग और उनकी तरफ से भी क्या कुछ आंकड़े पेश किए गए कि असल में स्थिति क्या है? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं तो उनका दावा है कि 2008 से अब तक के जो आंकड़े हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बताया जा रहा है कि जनपद फतेहपुर में करीब 50 से 60 हजार लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। फिलहाल इसमें कुछ कई लोगों की जो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति है बजरंग दल के लोगों ने घर वापसी भी कराई है, लेकिन ये 2008 से लगातार फतेहपुर में धर्मांतरण का जो रैकेट है वो सक्रिय है। इसमें एक के बाद एक बड़े धर्मांतरण के मामले भी आते रहे, लेकिन कोई बड़ी एजेंसी ने इसमें कोई जांच पड़ताल नहीं शुरू की। और जो फंडिंग की है विदेशों से फंडिंग होती रही और धर्मांतरण का जो खेल है वो लगातार निरंतर चलता रहा। बिल्कुल, लगातार निरंतर ये खेल चल रहा है। एक दिन में ये इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। क्या कुछ अब तक की जांच में सामने आया, कब से चल रही है ये प्रक्रिया? अब देखिए, ये लंबे समय से बाकायदा इसके पीछे जो है कई संस्था के सामने आई है। जैसे मैंने बताया कि मिशन हॉस्पिटल का नाम सामने आया है, प्रयागराज एग्रीकल्चर वो उसके बारे में कहा जाता है कि प्रयागराज एग्रीकल्चर के जो निदेशक है आरबी लाल वो विदेशों से पैसा आता था और उसके बाद उनके बैंक खाते में पैसा आने के बाद फतेहपुर ही बल्कि यूपी के कई ऐसे जनपद थे जहां उसने धर्मांतरण का जाल बिछाया है। फिलहाल पुलिस की टीम जो है फतेहपुर से प्रयागराज दी गई है और वहां से जानकारी हमें मिली है कि कई अहम सबूत भी बरामद किए हैं, लेकिन जो इस मामले में आरोपी है चाहे कोई कथित हॉस्पिटल हो या प्रयागराज इंस्टीट्यूट की बात हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहां से कई सबूत मिस भी कर दिए गए हैं ताकि पुलिस के हाथ में लगे। ये अहम बात है, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस आखिर जो इसके पीछे पूरा एक गैंग सक्रिय है उन पर कैसे कार्य